गौरव हमारा अगला कंटेस्टेंट। इनके इंस्पिरेशन है कई मॉडर्न क्लासिक्स का जन्मदाता, 32 साल से गोइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्टिल गॉट गो लॉन्ग, वन एंड ओनली अनु मलिक और पद्म भूषण जावेद साहब, द मैन विद अ मिराज टच। ये का है द अमेजिंगली टैलेंटेड राजदीप चटर्जी। संदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना। उसे उसके बेटे का नाम दे, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में किसी के छाँव में, कि माँ के आँचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा निभाऊंगा। बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सर। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहूँगा इस गाने के बारे में। मैंने जो अंतरा इन्होंने गाया है ये अपनी तरफ से लिख दिया, और ये रेगुलर मीटर में नहीं है, ये फ्री वर्स में। और दो दिन बाद उसकी रिकॉर्डिंग होनी थी, जब मैं गया म्यूज़िक रूम में अनु मलिक साहब के, तो वहाँ जे पी दत्ता जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो भी बैठे थे, और मैंने कहा परसों रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा इसमें टाइम लगेगा इसको कंपोज करने में, इसलिए कि ये तो एक फ्री वर्स है और ये आसानी से कंपोज नहीं होगा, तो म्यूज़िक डायरेक्टर को आपको वक्त देना पड़ेगा। अब जेपी दत्ता का प्रॉब्लम ये था कि वो जाने वाले थे, उन्हें दो दिन में ही रिकॉर्ड करना था गाना। तो अब मेरी और जेपी दत्ता की ये बहस हो रही थी, शायद 5 या 6 मिनट बाद अनु मलिक ने इंटरप्ट किया और कहा एक मिनट रुक जाइए, और कहा कि ये सुनिए, और जो आपने गाया है ये मेरे ख्याल से 5 मिनट से कम में अनु मलिक ने कंपोज किया। फ्री वर्स को कंपोज करना हर एक के बस का काम नहीं है, लेकिन ये 5 मिनट के अंदर ये आदमी ने काम किया, इसलिए इसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। हेलो जी, थैंक यू जावेद साहब, थैंक यू। और कमिंग डाउन टू योर सिंगिंग, तुमने तो आग लगा दी। मैं सोच रहा था व्हेन यू वर सिंगिंग सॉन्ग कि कहीं तुम सुर से ना चले जाओ, और खास करके जो उसके जहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ का जो नोट चेंज होता है, तुमने उसको इतना अच्छा निभाया। टू मी राजदीप, आई एम सो प्राउड कि आज हमारी डिस्कवरी आप हो इंडियन आइडल में। अनु जी, तारीफ की बात एक और भी है कि 4 अंतरे हैं, मगर इस लड़के ने जो गाने के लिए सबसे मुश्किल अंतरा वो चुना, वही चुना है ए गुजरने वाली हवा बता, इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट्स ऑफ द सॉन्ग। आप बहुत सिंसियर और समर्पित गायक हैं, आप अपने फोकस को कभी भी ढीला नहीं पड़ने देते,
God bless you. Thank you, sir. Thank you, sir. Before you came here, Anuji and I looked at each other and said, ये बहुत ही मुश्किल गाना है and we were wondering whether you'll be able to pull it off. And I don't know if comparisons are good or not, but you remind me of Sonu Nigam. Thank you, ma'am. Thank you so much. Rajdeep, I'm shocked today कि ऐसा सिंगर बॉटम टू में कैसे आ सकता है. I hope कि आज के इस परफॉर्मेंस के बाद ये गलती फिर कभी ना हो. ऑडियंस प्लीज डोंट रिपीट दिस मिस्टेक. This is a gem. ये हीरा है. Please इसको संभाल के रखिए. आज के फाइनलिस्ट इंडियन आइडल के एक्स जज और वेरी 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 टैलेंटेड सोनू निगम जी से इंस्पायर्ड है. अब भाई गेस करने की जरूरत ही नहीं है. प्रेजेंटिंग भानु. घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. छांव है कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो. जो है समा कल हो ना हो. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी. कभी कभी है धूप जिंदगी. हर पल यहाँ जी भर जियो. जो है समा कल हो ना हो. चाहे जो तुम्हें उस हाथ को तुम थाम लो. वो मेहरबान कल हो ना हो. हर पल यहाँ जी भर जियो. जो है समा सुर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी और थ्रू आउट मतलब कहीं कोई पूरी लाइन सही सुर में गई नहीं एक भी. जब से आप की एंट्री हुई है इंडियन आइडल में बहुत अच्छा रहा है. पता नहीं क्यों पिछले दो बार से आपकी गायकी में बहुत कमजोरी आई है. या तो मुझे लगता है कि आप पथभ्रष्ट हो गए हैं कैरीड अवे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं भटक गए हैं. क्या हो क्या गया है आपको भानु. ये तुम्हारी आज तक की वीकेस्ट परफॉर्मेंस रही है. You better do something about it very fast. मैं फिजिकली ठीक नहीं हूँ. जैसे मैंने कल सर से बताया कि सर मुझे मैं जो खुद गा रहा हूँ मुझे खुद सुनाई नहीं दे रहा. मेरे कान नाक से बंद है और बस यही कारण है. बाकी आप समझ सकते हैं कि जो गाना जो लाइव ही ना गई गा सकता है जो तेरा जल के गा सकता है जो पहली बेरी बाल बेरी गा सकता है कावा कावा गा सकता है या जो इन दिनों मैंने भी बहुत फिल्में की हैं. बॉर्डर की है विरासत की है मैहुना की है जाने मन की है ये बाजीगर की है ये की है. मैं अभी क्या कर रहा हूँ पब्लिक को उसका इंटरेस्ट है. अनु मलिक की अभी की जो आने वाली फिल्म है उसमें आप विक्ट्री में क्या करने वाले हैं वो गाने सुनेंगे. मतलब समझ नहीं नहीं नो एक्सक्यूजेस. दिस इज द गाला राउंड. मे बी यू आर सिक. माय सिंपैथीज आर विद यू एट द मोमेंट. लेट्स कट द होल स्टोरी. लेट्स कट द चेस. टुडे भानु तुमने इतना अच्छा नहीं गाया जितना गाना चाहिए. ओके ऑल द बेस्ट. दीपिका यू आर द ओनली ग्रीन. मैंने आपको ग्रीन इसलिए दिया है क्योंकि मेरे ख्याल से आप टैलेंटेड हैं और मैं आपको डिस्करेज नहीं करना चाहती. बट अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जजेस ने कहा उन्होंने सही कहा. एंड प्लीज वर्क हार्डर नेक्स्ट टाइम. डेफिनेटली मैम आई विल डू माय बेस्ट. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.